और मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल। अब हम आगे शुरू करते हैं साउंड वेव की अपनी जर्नी। लास्ट लेक्चर में हमने साउंड वेव की स्पीड का फार्मूला ड्राइव किया था, याद होगा आपको। साउंड वेव की स्पीड का जो मेन फार्मूला था वो हमारा आया था अंडर रूट ऑफ बीटा बाय रू। बीटा क्या होता है? बल्क मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, और रो डेंसिटी। किसी को हमने रॉड के लिए कर लिया था, तो रॉड में हमने बी की जगह वाई कर दिया था और इसको हमने एम कर दिया था। व्हाट इज एम, व्हाट इज वाई? वाई इज द यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी एंड एम वाज द मास पर यूनिट लेंथ, आल्सो कॉल्ड लीनियर मास डेंसिटी। उसके बाद इस फार्मूले को यूज करके न्यूटन साहब ने एक फार्मूला ड्राइव किया, जिसमें साउंड की स्पीड का उन्होंने किसी भी गैसियस मीडियम में साउंड की स्पीड का उन्होंने फार्मूला ड्राइव करके हमें बताया, ये होता है पी बाय रो। लेकिन जब इस फार्मूले को हमने यूज किया तो पता लगा इस फार्मूले में कुछ ना कुछ गड़बड़ी थी, और गड़बड़ी ये थी कि इन्होंने ये बताया कि साउंड का जो प्रोपेगेशन है एयर में, ये एक तरह का आइसोथर्मल प्रोसेस है। एक्चुअली में आइसोथर्मल नहीं था, एक्चुअली में ये एडियाबेटिक प्रोसेस होता है। तो इस कंसेप्ट को यूज करके फिर लैपलेस ने करेक्शन किया और साउंड की स्पीड का फार्मूला इन एनी गैसियस मीडियम ये है गामा पी बाय रो। यानी उन्होंने लैपलेस ने साउंड का जो प्रोपेगेशन है इन एनी मीडियम उसको एडियाबेटिक प्रोसेस कहा, और एडियाबेटिक प्रोसेस की इक्वेशन को यूज करके जब हम स्पीड ऑफ साउंड निकालते हैं तो ये आता है इन एनी गैसियस मीडियम वेयर पी इज द प्रेशर और रो डेंसिटी ऑफ द मीडियम, और गामा क्या उसकी, एक गामा होता है आपको पता ही है, रेशियो ऑफ द स्पेसिफिक हीट एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम टू द स्पेसिफिक हीट एट कॉन्स्टेंट प्रेशर टू द कॉन्स्टेंट वॉल्यूम। रेशियो ऑफ द स्पेसिफिक हीट एट कॉन्स्टेंट प्रेशर टू द रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम। तो ये लैपलेस ने करेक्ट किया था और ये फार्मूला बिल्कुल एक्यूरेट था। इस फार्मूले से जो भी चीज आती है, साउंड की स्पीड आती है अलग अलग मीडियम में, वो बिल्कुल एक्यूरेट होती है। तो ये मेन फार्मूला हो गया, एक ये हो गया और एक ये हो गया। ये थोड़ा फार्मूला गड़बड़ था क्योंकि इन्होंने साउंड की स्पीड को एक आइसोथर्मल प्रोसेस मान लिया था, जो कि आइसोथर्मल प्रोसेस नहीं होता है। इसके बाद देखो हम आगे कंटिन्यू करते हैं अपने टॉपिक को, और कंटिन्यू करके हम देखते हैं कि साउंड की जो स्पीड होती है इन एनी गैसियस मीडियम कौन कौन सी चीजों पे डिपेंड करती है। तो हम यहां पर हेडिंग डालते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग दी स्पीड ऑफ साउंड इन अ गिवन मीडियम कि किसी भी मीडियम में जो साउंड की स्पीड होती है उसके ऊपर किस किस चीज, कौन कौन से फिजिकल कंडीशंस का क्या इफेक्ट पड़ता है। तो ये सब चीजें इसमें हम देखेंगे, और कुछ बाद में थोड़े से न्यूमेरिकल्स भी करेंगे इस रिलेटेड फार्मूला, जो भी हमारा फार्मूला आ रहा है या आगे एक और फार्मूला आएगा उसको यूज करके हम कुछ न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व करके देखेंगे। जैसे स्पीड ऑफ साउंड का फार्मूला हमें पता है, क्या होता है, गामा पी बाय रो। तो सबसे पहले देखो इसमें आता है हमारा इफेक्ट ऑफ डेंसिटी। तो यहां पर देखो इस फार्मूले से हमें दिख रहा है कि अगर हम आइडेंटिकल कंडीशन ऑफ प्रेशर लेंगे, यानी फिजिकल कंडीशंस को अगर मान लो हम आइडेंटिकल लेते हैं, अनचेंज रखते हैं, तो वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एनी गैसियस मीडियम इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा स्क्वायर रूट ऑफ डेंसिटी के ये। लेकिन ध्यान रखेंगे हम एक चीज का, हम इफेक्ट देखते हैं कि वे एक चीज क्या इफेक्ट पड़ रहा है उस पर, तो बाकी सारी फिजिकल कंडीशंस को हम कांस्टेंट लेंगे। तो अगर हम बोलेंगे किसी भी गैसियस मीडियम में साउंड की जो स्पीड होती है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्क्वायर रूट ऑफ डेंसिटी के, इसका मतलब बाकी सारे फैक्टर्स हम क्या ले रहे हैं, बाकी सारे फैक्टर्स में हम कांस्टेंट ले रहे हैं, टेम्परेचर कांस्टेंट ले रहे हैं, प्रेशर कांस्टेंट ले रहे हैं, बाकी सारी चीजें कांस्टेंट ले रहे हैं, सिर्फ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या है, डेंसिटी। अगर डेंसिटी वेरिएबल है तो स्क्वायर रूट ऑफ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ डेंसिटी। ये स्पीड ऑफ साउंड इन एनी गैसियस मीडियम का फार्मूला होगा। जैसे मान लो इसको यूज करके छोटा सा ऐसी एप्लीकेशन देख लेते हैं कि सपोज करो कहता है कि फाइंड द रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ साउंड इन
हाइड्रोजन मीडियम टू द स्पीड ऑफ साउंड इन ऑक्सीजन मीडियम एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर, यानी अंडर द आइडेंटिकल कंडीशन ऑफ टेम्परेचर और प्रेशर हमें साउंड की स्पीड का रेशियो निकालना है कि हाइड्रोजन में कितना होगा और ऑक्सीजन में कितना होगा, उनका रेशियो निकालना है। तो देखो हाइड्रोजन का मास आपको पता है, ऑक्सीजन का मास हाइड्रोजन का मास का 16 टाइम्स होता है, तो डेंसिटी भी क्या होगी 16 टाइम्स होगी। तो हम यहां पर यह कह सकते हैं कि डेंसिटी ऑफ ऑक्सीजन इज नियरली 16 टाइम्स ऑफ डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन, ये रिलेशन आपको इसमें याद करना है। और पता ही है सीधा कि स्पीड ऑफ साउंड इन एनी मीडियम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ, क्योंकि यहां गामा भी अलग अलग हो सकता था लेकिन क्योंकि दोनों ही डायटॉमिक मॉलिक्यूल है इसलिए गामा भी दोनों का सेम होगा, सिर्फ एक ही फैक्टर अलग हुआ डेंसिटी। तो अगर हमें रेशियो निकालना है वेलोसिटी ऑफ ऑक्सीजन टू द वेलोसिटी इन हाइड्रोजन, तो रेशियो क्या जाएगा अंडर रूट ऑफ, इनवर्सली है तो डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन अपॉन डेंसिटी ऑफ ऑक्सीजन। अब डेंसिटी ऑफ ऑक्सीजन कितना है इसको यहां सॉल्व कर देता हूं मैं, डेंसिटी ऑफ ऑक्सीजन कितना है V नॉट अपॉन वी एच, डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन इज रो एच और डेंसिटी ऑफ ऑक्सीजन है 16 टाइम्स ऑफ रो एच, ये आ गया तो ये कैंसिल हो गया, तो VO VH इक्वल्स टू 1/4 आ जाएगा ये। तो वेलोसिटी ऑफ साउंड इन हाइड्रोजन इज 4 टाइम्स द वेलोसिटी ऑफ वेलोसिटी ऑफ साउंड इन ऑक्सीजन एट द सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर, यानी कि अगर हम आइडेंटिकल कंडीशन ऑफ टेम्परेचर और प्रेशर लेते हैं तो हाइड्रोजन में जो साउंड की स्पीड होगी वो ऑक्सीजन के स्पीड का लगभग 4 टाइम्स होगा। तो ये हमारा इस तरीके से हमने देखा कि कैसे डेंसिटी के साथ साउंड की स्पीड जो होती है वो वेरी करती है। तो ये हमने देखा कि स्पीड ऑफ अंडर आइडेंटिकल कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर वेलोसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ डेंसिटी ऑफ द गैसियस मीडियम, तो ये डेंसिटी का फैक्ट हो गया। उसके बाद देखते हैं बाबू, अब नेक्स्ट देखते हैं इसमें अब अगला इफेक्ट देखते हैं। देखो सेकेंड हमारा इफेक्ट ऑफ प्रेशर, इफेक्ट ऑफ प्रेशर यानी प्रेशर का, प्रेशर के ऊपर क्या इफेक्ट होता है साउंड की स्पीड का। तो अगर हम एक बार को देखें तो फार्मूला हमें ऐसा लगता है कि गामा पी बाय रो है, यानी कि प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, स्क्वायर रूट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। लेकिन होता क्या है देखो, जब कोई भी हम गैसियस सिस्टम लेंगे और उस गैसियस सिस्टम का अगर हम प्रेशर इंक्रीज करेंगे यानी इसको कंप्रेस करेंगे, तो नेचुरल सी बात है कंप्रेशन से क्या हो, अगर हम एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं प्रेशर ऑन द सिस्टम तो नेचुरल उस बात है गैस जो है कंप्रेस करेगा, जब गैस कंप्रेस करेगा तो डेंसिटी इंक्रीज करेगी। तो जितना हम प्रेशर इंक्रीज करते हैं उसी रेशियो में क्या होता है डेंसिटी भी इंक्रीज कर जाता है, और अगर हम प्रेशर रिड्यूस करेंगे यानी प्रेशर कम करेंगे तो गैस विल एक्सपैंड डेंसिटी विल ऑल्सो रिड्यूस। तो इसका मतलब यह हो गया कि जो पी बाय रो है, पी बाय रो ये कॉन्स्टेंट होगा, यानी जब किसी भी गैसीय सिस्टम को अगर हम क्या करते हैं प्रेशर इंक्रीज करेंगे तो करस्पॉन्डिंगली सेम रेशियो में कह सकते हैं कि डेंसिटी भी इंक्रीज कर जाएगा, तो P by rho का रेशियो कांस्टेंट रहेगा। इसी तरीके से अगर उसको एक्सपेंड करते हैं तो प्रेशर रिड्यूस करना पड़ेगा उसको, तो P by rho यानी प्रेशर कम किया तो डेंसिटी भी करस्पॉन्डिंगली उतनी ही कम हो जाएगी। तो P by rho यानी कंप्रेशन हो चाहे एक्सपेंशन हो दोनों ही केस में P by rho का रेशियो सेम रहता है यानी कि कॉन्स्टेंट होता है, तो गामा तो वैसी बात ही कॉन्स्टेंट है। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि नो इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन द स्पीड ऑफ साउंड। देखो पहले वाले केस में हमने ये लिया था कि डेंसिटी को हम चेंज करते थे लेकिन प्रेशर डेंसिटी अलग अलग हो सकता है सेम प्रेशर पे अलग अलग गैसेस के लिए,
ठीक है, लेकिन यहां पर हम क्या कर रहे हैं, एक ही गैस को हम कंप्रेस कर रहे हैं, उसी गैस को हम एक्सपेंड कर रहे हैं। तो सेम गैस को अगर हम एक्सपेंड कर रहे हैं और कंप्रेस कर रहे हैं तो अकॉर्डिंगली प्रेशर के हिसाब से भी डेंसिटी वेरी करेगी। प्रेशर इंक्रीज करोगे डेंसिटी भी इंक्रीज कर जाएगी, प्रेशर रिड्यूस करोगे डेंसिटी भी रिड्यूस कर जाएगी। तो पी वाई रेशियो क्या रहेगा उसी गैस के लिए, हमेशा कॉन्स्टेंट रहेगा। तो वी कैन से कि वेलोसिटी ऑफ गैस, वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एनी गैसियस मीडियम इज इंडिपेंडेंट ऑफ द प्रेशर ऑन द गैस, इंडिपेंडेंट होता है। तो प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं है स्पीड ऑफ साउंड इन एनी गैसियस मीडियम। अब आगे आते हैं, देखो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, यानी यहां पर यह देखना चाहते हैं कि साउंड की स्पीड का टेम्परेचर का साउंड की स्पीड पर क्या क्या इफेक्ट पड़ता है। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द स्पीड ऑफ साउंड, ऑन स्पीड ऑफ साउंड, तो साउंड की स्पीड का टेम्परेचर का साउंड की स्पीड पर क्या इफेक्ट है, यानी क्या क्या चेंज आता है, कैसे चेंज होता है साउंड की स्पीड टेम्परेचर के साथ साथ। तो उसके लिए देखो वेलोसिटी वही गामा पी बाय रो। आप कहोगे सर यहां तो टेम्परेचर है ही नहीं, यानी जहां पर हमने देखा प्रेशर तो वहां पर ये मिला कि प्रेशर का कोई इफेक्ट ही नहीं है, जबकि प्रेशर के दिख रहा था डायरेक्टली प्रोपोर्शनल स्क्वायर रूट के। तो फिर हमने बाद में सोचा कि भाई प्रेशर अगर हम इंक्रीज करेंगे तो डेंसिटी भी ऑल्सो इंक्रीज, प्रेशर डिक्रीज करेंगे डेंसिटी भी ऑल्सो डिक्रीज, तो पी वाई का रेशियो सेम रहेगा, वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आएगा। दूसरी चीज अगर मैं यहां पर कह रहा हूं टेम्परेचर, टेम्परेचर को अगर मैं चेंज करता हूं साउंड की स्पीड में क्या चेंज आएगा, तो यहां से अगर देखो एक बार फॉर्मूले को तो पता लगता है यहां टेम्परेचर तो है ही नहीं। तो जब टेम्परेचर है ही नहीं तो इंडिपेंडेंट है, लेकिन यहां से हम क्या कर सकते हैं, आइडियल गैस इक्वेशन अगर मैं यूज करूं तो आइडियल गैस इक्वेशन पीवी इक्वल टू एनआरटी, तो यहां से अगर मैं प्रेशर की वैल्यू निकाल दू इन द टर्म्स ऑफ टेम्परेचर तो यह आ जाएगा, और इसकी वैल्यू को यहां पुट कर देता हूं तो दिस विल बी गामा एन आर टी बाय वी और इंटू रो। वी यहां पर क्या है, वॉल्यूम ऑफ द गैस, और वॉल्यूम इंटू डेंसिटी क्या होता है मास, तो ये आ जाएगा हमारा गामा एन आर टी बाय मास ऑफ द गैस जिसमें भी वो साउंड ट्रेवल कर रहा है। तो इसका मतलब वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एनी गैसियस मीडियम विल बी इक्वल्स टू एन गामा एन आर टी बाय एम, वेयर एम इज द मास ऑफ द गैस, एन इज द नंबर ऑफ मोल्स, वन ले लो अगर नंबर ऑफ मोल्स लेना है तो नहीं भी लो कोई फर्क नहीं पड़ता, आर गैस कॉन्स्टेंट है, मतलब ये सारी चीजें कॉन्स्टेंट है। अलग अलग गैस के लिए गामा अलग अलग हो सकता है, लेकिन आर तो सबके लिए सेम ही होगा, लेकिन हम सेम ही गैस की जब बात करेंगे तो यहां से हम कह सकते हैं कि जो वेलोसिटी है या स्पीड ऑफ साउंड है इन अ गिवन मीडियम ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर रूट ऑफ टेम्परेचर के। ध्यान रखना है एक बड़ी खास बात कि टी जो यहां पर लेना है, टी विल बी इन, टी इज एब्सोल्यूट टेम्परेचर, एब्सोल्यूट टेम्परेचर, एब्सोल्यूट टेम्परेचर का मतलब केल्विन में लेना है टेम्परेचर, हमेशा इसमें केल्विन में लेना है। जब इस तरह के न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे तो कभी भी टेम्परेचर को डिग्री सेल्सियस में नहीं लेना है, अगर दिया हुआ है तो पहला काम क्या करो कि डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करो। और पता ही है कि डिग्री सेल्सियस को कैसे केल्विन में कन्वर्ट करते हैं, 273 उसमें क्या कर देंगे हम ऐड कर देंगे जो भी हमें टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में दिया हुआ है, तो केल्विन में हमारा टेम्परेचर आ जाएगा। जब टेम्परेचर केल्विन में आ जाएगा तो वही टेम्परेचर फिर हम यहां पर डालेंगे और फिर उसको हम सॉल्व करेंगे कि कैसे जो है वेलोसिटी स्पीड ऑफ साउंड टेम्परेचर के साथ वेरी करता है। तो रिलेशन हमें पता है, निकाल दिया हमने कि स्पीड ऑफ साउंड इन एनी गैसियस मीडियम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ टेम्परेचर। तो ये हमारा स्पीड ऑफ साउंड हो गया टेम्परेचर के साथ साथ। अब इससे रिलेटेड मान लो मैं एक दो क्वेश्चन आपको कराता हूं कि कैसे स्पीड ऑफ साउंड वेरी करती है टेम्परेचर के साथ साथ, कुछ क्वेश्चन हम करके देखते हैं। हाँ, तो सपोज करो मान लो मैं क्वेश्चन आपको देता हूं और ये हम लेते हैं, और क्वेश्चन है कि फाइंड दी टेम्परेचर एट विच साउंड ट्रेवल
फाइंड द टेम्परेचर एट विच द साउंड ट्रेवल इन हाइड्रोजन विद द सेम वेलोसिटी इन हाइड्रोजन विद सेम वेलोसिटी या सेम स्पीड विद सेम स्पीड एज इन ऑक्सीजन एज इन ऑक्सीजन एट 1000 डिग्री सेल्सियस. तो ये कह रहा है कि फाइंड द टेम्परेचर एट विच द साउंड ट्रेवल इन हाइड्रोजन विद द सेम स्पीड एज इन ऑक्सीजन एट 1000 डिग्री सेल्सियस. दिया हुआ है कि डेंसिटी जो है हाइड्रोजन की, डेंसिटी ऑफ ऑक्सीजन अभी बताया था, जो मास का रेशियो है वही हम उसका डेंसिटी का रेशियो ले लेंगे. तो डेंसिटी ऑफ ऑक्सीजन इज 16 टाइम्स डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन. डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन तो ये हमने ले लिया. अब इसको हम क्या करते हैं, सॉल्व करके देखते हैं क्या आता है. देखो अभी आपको बताया क्वेश्चन में, पहले तो ये देखो ध्यान से कि हमसे क्या पूछा है. ये कह रहा है कि फाइंड द टेम्परेचर एट विच साउंड ट्रेवल इन हाइड्रोजन विद द सेम स्पीड, है ना. वो टेम्परेचर निकालना है जिस टेम्परेचर पे साउंड हाइड्रोजन में उसी स्पीड से ट्रेवल करती है जिस स्पीड से हाइड्रोजन में ट्रेवल करती है, ऑक्सीजन में ट्रेवल करती है 1000 डिग्री सेल्सियस पे. यानी कि यहां पर सिंपल सी चीज हमें क्या देखा इसने है कि वेलोसिटी ऑफ ऑक्सीजन, वेलोसिटी ऑफ साउंड इन ऑक्सीजन इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ साउंड इन हाइड्रोजन, वेलोसिटी ऑफ साउंड इन हाइड्रोजन. दोनों की स्पीड सेम रखी है लेकिन दोनों का क्या अलग अलग होगा, टेम्परेचर. क्योंकि वेलोसिटी टेम्परेचर के स्क्वायर रूट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है. तो अगर मैं यहां पर ऑक्सीजन की स्पीड का फार्मूला डालू ऑक्सीजन के लिए तो क्या होता है फार्मूला, देखो गामा दोनों ही क्या होगा, चलो गामा दोनों ही जो है डायटोमिक गैस है तो गामा दोनों का सेम होगा. तो गामा नंबर ऑफ बचरों में वन ले लेता हूं दोनों का, तो एन वन ले लिया तो क्या होगा, मतलब गामा आर टी इसमें लू टी इन ऑक्सीजन अपॉन मास ऑफ ऑक्सीजन, ये लिखूंगा. ऐसे ही यहां लिखू तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ गामा दोनों का सेम होगा, आर तो है कांस्टेंट, टेम्परेचर ऑफ हाइड्रोजन डिवाइडेड बाय मास ऑफ हाइड्रोजन. ये समझ में आ गया हो, यहां तक कुछ नहीं करा मैंने, दोनों के स्पीड को मैंने इक्वेट कर दिया है. ठीक, गामा दोनों का सेम है, आर तो वैसे ही सेम होगा, और एक का टी नॉट का मतलब टेम्परेचर ऑफ हाइड्रोजन ऑक्सीजन, और टी एच का मतलब टेम्परेचर ऑफ हाइड्रोजन मास ऑफ हाइड्रोजन ऑक्सीजन मास ऑफ हाइड्रोजन. अब इसमें से ये दोनों हो गया कैंसिल. ठीक, अब क्या है देखो यहां पर क्या करेंगे, अब यहां पर हम ये करेंगे कि हमें निकालना क्या है, हमें टीएच की वैल्यू निकालनी है कि टीएच कितना होएगा. तो टीएच की वैल्यू कैसे निकलेगी, देखो टीएच की वैल्यू क्या होगी, मैंने बताया कि सारे के सारे टेम्परेचर आपको किसमें लेने हैं, टेम्परेचर आपको लेना है किसमें, केल्विन में. तो ये किसमें दिया हुआ है 1000 डिग्री सेल्सियस, तो क्या करोगे 1000 प्लस 273, और एक काम और करता हूं, मास ऑफ ऑक्सीजन 16 टाइम्स होगा मास ऑफ हाइड्रोजन के, क्योंकि डेंसिटी 16 टाइम्स है. तो इसको मैं 16 एम कर दूं, मान लिया एम मास ऑफ या डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन या मास, यहां पर क्या जाएगा, मान लेता हूं हमें जो आंसर निकालना है वो सेल्सियस में, कोई सेल्सियस भी आया सेल्सियस निकालना है, तो लेट द टेम्परेचर इन सेल्सियस इज टी प्लस 273 और एड करोगे, ये अननोन टेम्परेचर है, वो हमें टेम्परेचर अपना आप निकल जाएगा कि वो कौन सा टेम्परेचर है जिस टेम्परेचर पे हाइड्रोजन में साउंड की स्पीड वही होगी जो ऑक्सीजन में 1000 डिग्री सेल्सियस पे होती है. तो मैंने करा यहां पर क्या है, इसको केल्विन में कन्वर्ट कर दिया, इसको भी मैंने केल्विन में कन्वर्ट कर दिया क्योंकि टी मैंने डिग्री सेल्सियस में लिया है, और मास ऑफ हाइड्रोजन मान लिया मैंने एम, तो एम से कट गया एम. अब उसके बाद जस्ट हमें क्या करना है, इसको सिंप्लीफाई करना है. तो क्या करते हैं, इसको देखो इसको सॉल्व करते हैं, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो 1000 प्लस 273 अपॉन 16 इक्वल्स टू टी प्लस 273 अपॉन कुछ नहीं, अपॉन क्या, अपॉन कुछ नहीं आएगा. ठीक, अब इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद क्या जाएगा, ये 1000 ये आ गया हमारा कितना 1273 अपॉन 16 इक्वल्स टू टी प्लस 273, इसको डिवाइड करो, ये डिवाइड कर कितना जाएगा, ये 16 कितना टाइम्स में जाएगा, ये हमारा जाएगा पहले 7 टाइम्स में, 7 टाइम्स में क्या, फिर 7
7 टाइम्स में डिवाइड को 16 का टेबल पढ़ो, 7 और क्या आ जाएगा फिर ये 7 और अगला आ जाएगा 9, 7 9 और अगला 0.6, हाँ 0.6 ये आ जाएगा टी प्लस 273। तो टेम्परेचर आ गया आपका 79.6 माइनस 273। अब इसका डिफरेंस करके जो भी आंसर आ जाएगा तो ये हमारा क्या जाएगा टेम्परेचर और एट विच द स्पीड ऑफ साउंड ये जाएगा कितना, ये आ जाएगा कितना जाएगा ये 16 173 ये इतना जाएगा टेम्परेचर किसमें आएगा ये लगभग ये जाएगा आपका 193 कुछ आ जाएगा कितना जाएगा 273 और 79.6 कितना जाएगा ये 4 12 में से 9 3 और 9 193 तो टी आ गया 19 माइनस में जाएगा -193.4 डिग्री सेल्सियस। ये वो टेम्परेचर आ गया जिस टेम्परेचर पे साउंड की स्पीड हाइड्रोजन में वही होगी जो 1000 डिग्री सेल्सियस पे। देखो कितना कम टेम्परेचर है। तो जितना लाइटर मीडियम होगा ना साउंड उतना ही सेम टेम्परेचर पे साउंड उतना ही फास्टर स्पीड से चलेगा, है ना। तो 1000 डिग्री सेल्सियस पे कितना टेम्परेचर बढ़ाया तब साउंड की स्पीड उतना हुआ जितनी हाइड्रोजन की माइनस में ले जा करके। तो हाइड्रोजन मीडियम में साउंड सबसे फास्टेस्ट स्पीड से ट्रेवल करेगा क्योंकि हाइड्रोजन की डेंसिटी सबसे कम होती है, मास सबसे कम होता है। तो ये हमारा इस तरह का ये क्वेश्चन हो गया। तो पॉज करके इसको नोट कर लो। और यहां पर हमने देखा कि 1000 डिग्री सेल्सियस पे साउंड की स्पीड वही होगी जो -193.4 डिग्री सेल्सियस में टेम्परेचर पर हाइड्रोजन मीडियम में होगी। तो यहां से हमें दिख रहा है कि डेंसिटी के इनवर्सली है, वो भी वैसे ही पता है। तो हाइड्रोजन में साउंड ट्रेवल्स मच फास्टर एज कंपेयर टू अदर मीडियम, चाहे वो हाइड्रोजन हो चाहे कोई भी मीडियम हो। तो पॉज करके नोट कर लिया होगा। अभी एक और क्वेश्चन थोड़ा हम सॉल्व करके देखते हैं। तो एक और क्वेश्चन इसमें करते हैं देखो। और यहां पर हम करके देख रहे हैं स्पीड ऑफ साउंड, क्वेश्चन लिख देते हैं मान लो स्पीड ऑफ साउंड इन एयर एट एनटीपी नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर इज 332 मीटर पर सेकेंड। ये क्या हो गया, द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर एट एनटीपी इज 332 मीटर पर सेकेंड एज्यूमिंग एयर कंपोज्ड ऑफ 4 पार्ट इज कंपोज्ड ऑफ 4 पार्ट ऑफ नाइट्रोजन एंड 1 पार्ट ऑफ हाइड्रोजन 1 पार्ट ऑफ ऑक्सीजन। तो क्या कह रहा है, स्पीड ऑफ साउंड इन एयर एट एनटीपी इज 332 मीटर पर सेकेंड एज्यूमिंग एयर कंपोज्ड ऑफ 4 पार्ट ऑफ नाइट्रोजन एंड 1 पार्ट ऑफ ऑक्सीजन 1 पार्ट ऑफ। कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ साउंड, कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ साउंड इन ऑक्सीजन। अब नाइट्रोजन में भी कह सकता है, किसी में भी निकाल दो। कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ साउंड इन ऑक्सीजन अंडर द आइडेंटिकल कंडीशंस ऑफ density of nitrogen is 16 oxygen or 14 in the ratio 16 14 में रेशियो है
तो हमें क्या करना है इसमें ये निकालना है। देखो क्या कह रहा है, स्पीड ऑफ साउंड इन एयर एट एनटीपी इज 332 मीटर पर सेकेंड एज्यूमिंग एयर कंपोज ऑफ 4 पार्ट ऑफ नाइट्रोजन एंड 1 पार्ट ऑफ ऑक्सीजन। ये नॉर्मली ऐसा होता भी है, वही कह रहा है। कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ साउंड इन ऑक्सीजन, साउंड की वेलोसिटी निकालनी है ऑक्सीजन में अंडर आइडेंटिकल कंडीशन व्हेन, बिल्कुल सेम कंडीशन में जिस कंडीशन में साउंड की स्पीड एनटीपी पे इतनी होती है एयर में, तो उसी टेम्परेचर पे नॉर्मल टेम्परेचर और प्रेशर पे हमें कह रहा है कि बताओ कि हाइड्रोजन में नहीं ऑक्सीजन में साउंड की स्पीड क्या होगी अगर हम सेम चीज सेम आइडेंटिकल कंडीशन लेते हैं तो, आइडेंटिकल कंडीशन लेते हैं तो डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का रेशियो रखा है 16:14। तो इसमें सबसे पहले क्या करेंगे, देखो आपको पता ही है कि यहां जो रिलेशन कह रहा है वो डेंसिटी के साथ कह रहा है, और आपको पता है कि अभी मैंने बताया था कि वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एनी मीडियम इज इनवर्सली आइडेंटिकल कंडीशन है। तो फार्मूला क्या पाएगा, सबसे पहले तो फार्मूला से ये यूज करेंगे ना, क्योंकि डेंसिटी का रिलेशन बोल रहा है, तो क्या लिखेंगे, गामा पी बाय रो, गामा पी बाय रो यानी कि गामा और रो, गामा और रो, गामा और पी दोनों के सेम है तो अलग अलग क्या है दोनों के लिए, डेंसिटी। अब यहां पर हम चलो ऑक्सीजन की डेंसिटी दे रखी है 16 रो कर देते हैं, मान लिया उसकी 14 रो कर देते हैं, लेकिन हमें यहां पर एयर की डेंसिटी थोड़ी दे रखी है, जबकि स्पीड किसमें दे रखी है, इसमें एयर में स्पीड रखी है। तो सबसे पहला हमारा काम क्या है यहां पर, यह पता करना कि अगर ऑक्सीजन और नाइट्रोजन को मिक्स कर दिया जो भी ये डेटा दे रहा है उस डेटा के हिसाब से, तो ऑक्सीजन की डेंसिटी कितनी होगी, और डेंसिटी का आपको फॉर्मूला क्या था, क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। तो यहां पर हमें इसने दिया हुआ, देखो यहां पर हमें इसने दिया हुआ है क्वेश्चन में कि 4 पार्ट नाइट्रोजन का ले रहे हैं और 1 पार्ट ऑक्सीजन का ले रहे हैं, इसका मतलब अगर मैं ले लूं कि वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन अगर मैं V मान लूं तो वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन कितना होगा, वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन विल बी व्हाट, 4V। तो स्पीड ऑफ साउंड इज इतना, एज्यूमिंग एयर कंपोज ऑफ 4 पार्ट ऑफ नाइट्रोजन 1 पार्ट ऑफ ऑक्सीजन, तो अगर मैं वॉल्यूम ले लूं उसका V तो उसका हो जाएगा 4V, तो टोटल वॉल्यूम 5V हो जाएगा। अब क्या करते हैं, देखो मास निकालता हूं, मास ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का मास कितना होगा भाई, ऑक्सीजन का मास होगा ऑक्सीजन की डेंसिटी इंटू ऑक्सीजन का वॉल्यूम, ऑक्सीजन डेंसिटी कितनी है 16, तो 16 इंटू वी, या 16V कर देता हूं, ये मास हो गया ऑक्सीजन का। ऐसे ही मास ऑफ नाइट्रोजन करूंगा जब, तो नाइट्रोजन का मास कितना आएगा, नाइट्रोजन का मास आएगा हमारा कितना, उसका है डेंसिटी कितनी, इसकी डेंसिटी वॉल्यूम है वी और डेंसिटी है 14, नहीं वॉल्यूम नाइट्रोजन कितना है, नाइट्रोजन का है वॉल्यूम 4V और डेंसिटी है 14, तो कितना आ जाएगा 56, तो 56V ये हमारा आ गया वॉल्यूम किसका, सॉरी मास किसका आ गया, नाइट्रोजन का। अब दोनों को जब कंबाइन करेंगे एक साथ कर देंगे तो टोटल मास कितना आएगा, देखो टोटल मास हमारा आ जाएगा कितना 16V अपॉन प्लस 56V, तो दिस विल बी 72V, ये टोटल मास आ गया पूरे मिक्सचर का। इस टोटल मास को किससे डिवाइड कर दोगे, वॉल्यूम से, तो डेंसिटी आ जाएगी, तो डेंसिटी ऑफ एयर कितना होगा, फिर डेंसिटी ऑफ एयर विल बी 72V मास और वॉल्यूम हो जाएगा वी प्लस 4V यानी कि 5V, तो V से V कैंसिल हो गया, तो डेंसिटी आ गया हमारा, डेंसिटी ऑफ एयर ये हमारा आ गया 72/5। अभी इसको बाद में हम सॉल्व करेंगे, अभी इसको यही छोड़ देते हैं, ये डेंसिटी आ गई एयर की, ठीक। अब इसको आगे कंटिन्यू करते हैं, देखो हमें क्या करना है, साउंड की स्पीड निकालनी है इसमें ऑक्सीजन में अंडर आइडेंटिकल कंडीशन, तो आपको पता है अभी इसको मैं यहां से हटा देता हूं, तो पॉज करके नोट कर लो, ठीक। आगे हम करते हैं इसको सॉल्व, वी नो कि वेलोसिटी ऑफ साउंड इन अ मीडियम, स्पीड ऑफ साउंड इन अ मीडियम इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ डेंसिटी, तो अगर मैं निकालूं
वेलोसिटी इन ऑक्सीजन अपॉन वेलोसिटी इन एयर, ऐसे कर दिया तो रेशियो क्या आएगा, उल्टा करते हैं, इनवर्स है स्क्वायर रूट ऑफ, इनवर्स ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ डेंसिटी, दिस विल बी डेंसिटी इन ऑक्सीजन एयर अपॉन डेंसिटी इन ऑक्सीजन। अब यहां पर वैल्यू डाल देते हैं, देखो डेंसिटी कितनी निकाली हमने एयर की, 72.5 अपॉन 5, और ऑक्सीजन की डेंसिटी कितनी होती है, ऑक्सीजन की डेंसिटी होगी 16, तो 16 कर देंगे, तो ये हमारा डेंसिटी का रेशियो आ गया। तो वेलोसिटी इन ऑक्सीजन हो जाएगा वेलोसिटी इन एयर इनटू आ जाएगा ये 72/80, और ये है हमारा, इसको आगे कंटिन्यू कर देता हूं मैं, ये वी 332 है, 332 इंटू अंडर रूट ऑफ दिस 72/80 को अगर स्क्वायर रूट करोगे तो 72/80 कितना आ जाएगा, इसको स्क्वायर रूट करोगे तो, इसका स्क्वायर रूट करोगे तो आ जाएगा लगभग कितना आ जाएगा, जो भी है चलो सॉल्व कर लेना इसको। अब यहां पर आगे मैं यही छोड़ देता हूं उसको, क्योंकि अब कैलकुलेटर है नहीं, कैलकुलेटर में टाइम लगेगा, कैलकुलेट करना आता नहीं है, बहुत टाइम लग जाएगा, कर सकते हैं चलो करके देख लेते हैं। तो 20 4 से डिवाइड कर रहा हूं ऊपर नीचे, 18 बाय 20, ठीक। चलो मैं इसको यहां से करके सॉल्व भी कर देते हैं, कोई बात नहीं, देखते हैं लगभग सिंपलेस्ट रेशियो तक तो ले जाए इसको, भाई तो बोर्ड हिल गया, तो बोर्ड लग जाएगा, गिर जाएगा यहां से, लेकिन गिरने नहीं देंगे इसको। तो वेलोसिटी ऑफ ऑक्सीजन हो जाएगा वेलोसिटी 332 इनटू, और फर्दर करेंगे तो कितना आ जाएगा ये 9/10, 9/10, तो 9/10 का मतलब लगभग 332 ये आ गया, 9 आ गया ना, और रूट का 10 का रेशियो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 3.1 समथिंग आ जाएगा, जो भी, तो स्पीड लगभग 332 इंटू जो भी है इतना आ जाएगा। तो जब सॉल्व करोगे कितना आ जाएगा ये 3, अब इसको रेशियो निकाल लेना भैया इसका, बात हो चलो यहां से अपने आप सॉल्व कर लेना, तो ये मैं ही छोड़ देता हूं उसको, तो ये 9/10 ये आ गया वेलोसिटी इन ऑक्सीजन। तो ये हमारा इस तरीके से हम मीटर पर सेकंड हमारी स्पीड आ जाएगी। तो ये हमने डेंसिटी के साथ भी क्वेश्चन देखा कैसे वेरी करता है, एक क्वेश्चन करके देखा, और मिक्सचर मिक्स भी हमने किया यहां पर। तो मिक्स करने का मतलब यहां पर सीधा से याद रखोगे, मिक्सचर का टोटल मास निकालोगे और टोटल वॉल्यूम से डिवाइड कर दोगे तो डेंसिटी आ जाएगी मिक्सचर की, फिर उसको हवा इसको हमने आगे इस तरीके से प्रोसीड किया, तो ये हमारा होगा। इसमें हम चलो एक और क्वेश्चन करके देखते हैं, एक और क्वेश्चन ट्राई करते हैं कि कैसे स्पीड वेरी करती है। एक क्वेश्चन और करते हैं, क्वेश्चन है, अब मैं रेड पेन यूज कर रहा हूं क्योंकि ब्लैक हो गया, ब्लैक पेन धोखा दे गया, कम है। तो थर्ड कह रहा है, एट व्हाट टेम्परेचर द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर, बहुत आसान सा क्वेश्चन है, स्पीड ऑफ साउंड इन एयर 3 times the speed at 0°C. कह रहा है कि किस टेम्परेचर पे, एट व्हाट टेम्परेचर द स्पीड ऑफ साउंड बिकम्स 3 times द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर एट 0°C. तो सबसे पहला काम वही कि आइडेंटिकल कंडीशन ले रहे हैं, सब कुछ सेम है, तो पता है कि स्क्वायर रूट ऑफ टेम्परेचर का प्रोपोर्शनल है, तो वेलोसिटी मान लो टी टेम्परेचर पे है तो प्रोपोर्शनल किसके हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ टेम्परेचर के, तो क्या करोगे, vt अपॉन v नॉट कितना जाएगा, vt अपॉन v नॉट इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 273 प्लस t अपॉन 273, ये करोगे इसमें, ध्यान रखना है। क्यों, क्योंकि मैंने बताया कि आपको टेम्परेचर किसमें लेना है, कैलकुलेट लेना है, तो 0°C का मतलब 273, और इसमें टी टेम्परेचर सेल्सियस में ले लिया तो 273/T, तो यहां पर दोनों क्या कह रहे हैं, एट व्हाट स्पीड टेम्परेचर ऑफ साउंड इज 3 times, अब यहां 3 times कह रहे हैं, एट व्हाट टेम्परेचर, हां 3 times,
एट व्हाट टेम्परेचर द स्पीड ऑफ साउंड थ्री टाइम्स एट, तो ये कितना है स्पीड, थ्री टाइम्स ऑफ वी नॉट क्या अपॉन वी नॉट अंडर रूट ऑफ 273 प्लस टी अपॉन 273, वी नॉट से वी नॉट कैंसिल हो गया, तो 9 इक्वल्स टू 273 अपॉन प्लस टी अपॉन 273, क्रॉस मल्टीप्लाई करो स्क्वायर रूट बोथ साइड, स्क्वायर रूट स्क्वायर करके ये हो गया ना, तो यहां पर आ गया 273 प्लस टी इक्वल्स टू 273 इंटू 9, तो टी आ गया हमारा 273 इंटू 8, तो 273 इंटू 8 कितना आ जाएगा लगभग ये हमारा 8 दिया गया डिग्री सेल्सियस, ये वो टेम्परेचर आ गया, देखो ये वो टेम्परेचर आ गया जिस टेम्परेचर पे साउंड की स्पीड वही होगी टी टेम्परेचर पे, यानी एट व्हाट टेम्परेचर स्पीड ऑफ साउंड इन ईयर थ्री टाइम्स द स्पीड एट 0 डिग्री सेल्सियस, यानी साउंड की स्पीड अब इस टेम्परेचर पे वही होगी, यानी थ्री टाइम्स होगी जो उसका टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस पे है, यानी इस टेम्परेचर पे साउंड की स्पीड थ्री टाइम्स होगी जो उसकी स्पीड 0 डिग्री सेल्सियस पर है। तो इस तरह से टेम्परेचर का इफेक्ट भी देखा हमने, डेंसिटी का इफेक्ट भी देखा हमने, तो इसी तरह के क्वेश्चन आते हैं बड़े आसान आसान से क्वेश्चन, कोई खास बात इनमें है नहीं, तो इसको थोड़ा सा और आगे कंटिन्यू करते हैं और फिर इस लेक्चर को हम वाइंड ऑफ कर देंगे, और इसमें एक छोटा सा और मैं लिख देता हूं इफेक्ट ऑफ ह्यूमिडिटी, इफेक्ट ऑफ ह्यूमिडिटी, देखो वैसे देखें तो ह्यूमिडिटी का तो कोरिलेशन नहीं है फार्मूले के हिसाब से, लेकिन ऐसा होता है कि जैसे ही ह्यूमिड एयर होता है तो ह्यूमिड एयर में क्या होता है कि जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, जो ड्राई एयर में जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं जो हवा में फैले हुए रहते हैं, दे बिकम्स वेट एंड बिकम्स हैवी एंड फॉल डाउन, तो इसीलिए कहते हैं कि बरसात के दिनों में हवा जो होती है वो साफ होती है, बरसात के दिनों में हवा जो होती है वो साफ होती है, इसका मतलब क्या है कि मॉइस्चर से क्या हो गया, जो डस्ट पार्टिकल्स हैं दे बिकम्स वेट एंड ग्रेविटी ने उसको अपनी तरफ खींच लिया, तो एयर बिकम्स क्लीन और क्लीन एयर की डेंसिटी ड्राई एयर की डेंसिटी से मतलब डेंसिटी कम हो जाएगी, तो हम ये कह सकते हैं विद इंक्रीज इन ह्यूमिडिटी, विद इंक्रीज ह्यूमिडिटी डेंसिटी ऑफ एयर डिक्रीजेस, व्हाई डिक्रीजेस, बिकॉज द डस्ट पार्टिकल्स बिकम्स वेट दे बिकम्स हैवी एंड फॉल डाउन ड्यू टू ग्रेविटी, तो विद इंक्रीज इन ह्यूमिडिटी द डेंसिटी ऑफ एयर डिक्रीजेस एज अ रिजल्ट डेंसिटी एज अ रिजल्ट स्पीड ऑफ साउंड इंक्रीजेस, यानी कहने का मतलब यह हो गया कि डेंसिटी यानी कि ह्यूमिडिटी इंक्रीज करने से डेंसिटी क्योंकि कम हो जाती है तो साउंड की स्पीड बढ़ जाएगी, हम ये कह सकते हैं, फिर अल्टीमेटली घुमा फिरा के सीधी बात बोले तो क्या होगा कि डेंसिटी ह्यूमिडिटी बढ़ाने से स्पीड ऑफ साउंड ज्यादा होगा, यानी ह्यूमिड एयर में साउंड की स्पीड ज्यादा होगी, ड्राई एयर में साउंड की स्पीड कम होगी, स्पीड ऑफ साउंड इन ह्यूमिड एयर मोर देन स्पीड ऑफ साउंड इन ड्राई एयर, यानी ह्यूमिड एयर में साउंड की स्पीड ज्यादा होगी, ड्राई एयर में साउंड की स्पीड कम होगी, तो ये हमने कुछ वेरिएशन देखा कि कैसे साउंड की स्पीड वेरी करती है अलग अलग फैक्टर्स के साथ, टेम्परेचर के साथ, डेंसिटी के साथ, और ह्यूमिडिटी के साथ, और प्रेशर के साथ, तो ये सारी चीजें हमने देखी कि कैसे साउंड की स्पीड कैसे इस मीडियम वेरी करती है। तो आज का लेक्चर हम यही रखते हैं, इतना ही रखते हैं, अब आपको करना क्या है कि जो आज आपको कराया गया उस चीज को रिवाइज करना है, और इसी तरह के वो एक ही फॉर्मूला था, एक ही दो फॉर्मूले थे, सारे उसी पर बेस्ड है और बहुत ईजी न्यूमेरिकल्स है, इसकी प्रैक्टिस करनी है, फॉर्मूला याद करना है, प्रैक्टिस करना है, और खुद भी सीखना है और साथ में दूसरों को भी सिखाना है। टाटा बाय।